वेलकम टू अबिट आईएस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है, और यह बात एक बार फिर साबित हो गया है कि कैसे इसराइल किसी भी हमले को कितनी आसानी से काउंटर कर लेता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस यानी सक्सेस रेट 99% रही है। आज हम इसी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल एयर डिफेंस के लिए किसी एक सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि यह एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करता है जो विभिन्न लेयर्स में बंटा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अलग अलग लेयर्स हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये 0 से 4 किलोमीटर के लिए आयरन बीम, 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के लिए आयरन डोम, 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के लिए डेविड स्लिंग, यहाँ से 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के लिए एरो 2 और 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के लिए एरो 3। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रेंज के लिए आयरन बीम एंड आयरन डोम का इस्तेमाल किया जाता है, यह हमास के रॉकेट हमलों से बचाता है। मिड रेंज के लिए डेविड स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यह लेबनान के हिजबुल्ला के हमलों से बचाता है। एरो 2 एंड एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से, मतलब लॉन्ग रेंज वाले हमलों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह सिस्टम ईरान जैसी दूर स्थित दुश्मनों से बचाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन डोम के बारे में। ये आयरन डोम की यहाँ पे मिसाइल्स की ये बैटरी है, यहाँ से कैसे ये तामीर जो मिसाइल है कैसे इंटरसेप्ट करता है देख सकते हैं। आयरन डोम के 3 कंपोनेंट हैं, रडार सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर सिस्टम। जैसे ही दुश्मन रॉकेट फायर करता है, सबसे पहले रडार सिस्टम दुश्मन के रॉकेट को डिटेक्ट करता है और इसकी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करता है। अब बारी आती है कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इम्पैक्ट पॉइंट का पता लगाता है। जो ट्रेजेक्टरी होती है उस ट्रेजेक्टरी को रीड करके कहाँ पे उसका इम्पैक्ट होगा रॉकेट का, उसका पता लगाता है। अगर इम्पैक्ट पॉइंट कोई खाली इलाका हो, कोई गैर महत्वपूर्ण जगह हो जैसे रेगिस्तान वगैरह, कोई खाली मैदान हो, तो रॉकेट को इंटरप्ट नहीं किया जाता है। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहां से मिसाइल नहीं लॉन्च किया जाता है। लेकिन अगर इंपैक्ट पॉइंट कोई रिहायशी इलाका हो, कोई इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हो, कोई मिलिट्री बेस हो, तो लॉन्चर सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके लिए तामीर मिसाइल का, ये है जो मिसाइल, ये तामीर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तामीर मिसाइल रॉकेट के नज़दीक जाकर एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे दुश्मन का रॉकेट हवा में ही नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा होता है और जाके इसको हिट नहीं करता है, इसके पास में जाकर के खुद एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे ये रॉकेट नष्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं थोड़ा रडार के बारे में कि रडार कैसे काम करता है। ये रडार की फंक्शनिंग है, इसमें होता है ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और ये डिस्प्ले है जहाँ पे मॉनिटर किया देखा जाता है कि कौन सा थ्रेट है, कौन सा टारगेट है। यहाँ पे ये जो एंटीना है, यहाँ से रेडियो वेव को एमिट किया जाता है, रेडियो वेव को यहाँ से छोड़ा जाता है। तो जैसे लगातार यहाँ से लगातार रेडियो वेव छोड़ा जाता है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद से रेडियो वेव होता है ये रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्ट करके जैसे ही एंटीना से टकराता है, ये डाटा मिलता है हमको, कंप्यूटर में जाता है, तो उसकी एक इमेज बन जाती है। तो इस प्रकार रेडियो वेव के माध्यम से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोई हार्म करने वाला ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसा ही, मतलब सिविलियन जेट्स वगैरह है।
आपने सुना होगा कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं वो रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं, जो स्टेल्थ इनको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स रडार की पकड़ में नहीं आते हैं? इसका जवाब है स्टेल्थ फाइटर जेट्स का डिजाइन और इसकी ऊपरी परत में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। यह मटेरियल मैक्सिमम रेडियो वेव्स को एब्जर्व कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। चूंकि यहाँ रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया जाता है, इसलिए डिस्प्ले पर उसका कोई पिक्चर ही नहीं बनता है। इस प्रकार स्टेल्थ फाइटर जेट रडार की पकड़ में भी नहीं आता है और आसानी से दुश्मन देश के अंदर घुसकर उसके ऊपर बमों और मिसाइलों की बारिश करके चलाता है और दुश्मन को अपनी भनक भी नहीं लगने देता है। जो अमेरिका का F-35 है, जो फाइटर जेट है, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये किसी भी देश के टेरिटरी में घुस जाए तो उसकी रडार सिस्टम में ये डिटेक्ट नहीं होता है। इसी का इस्तेमाल करके इजराइल ने जो सीरिया की राजधानी में जो ईरान का जो दूतावास था जिस पे अटैक किया था, तो इसी F-35 का उसने इस्तेमाल किया था। F-35 आज के समय में दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। अब हम देखते हैं थोड़ा आयरन डोम के बारे में। इसको डेवलप किया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। दोनों ने इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है। इसको फंड किया गया है इजराइल की सरकार के द्वारा और यूएसए के सरकार के द्वारा। इसके कंपोनेंट क्या हैं? ये है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, रडार डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ये वाला। उसके पास है कंट्रोल सिस्टम है और इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसमें तामीर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2011 से ऑपरेशनल है। यह शॉर्ट रेंज थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, जो रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज मिसाइल कुछ भी हो सकता है। इसका रेंज होता है 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक का। इस प्रकार यह हमास के रॉकेट अटैक, जो हमास का जो रॉकेट अटैक होता है, या जो लेबनान में जो हिजबुल्ला है, अगर वो भी किसी छोटे रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल करता है तो उसको आसानी से ये न्यूट्रलाइज कर देता है। चूंकि ये एक मोबाइल सिस्टम है, मतलब इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी जगह पर ले जाकर के इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इसमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यहाँ पे वही फंक्शनिंग जो बताए हैं कि रडार पहले डिटेक्ट करता है, उसको ट्रैक करता है, और उसको जो कंट्रोल सिस्टम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसकी ट्रेजेक्टरी के माध्यम से इंपैक्ट पॉइंट को यहाँ पे अनुमान लगाता है उसका कि कहाँ पे गिरने वाला है। तो अगर किसी खाली जगह पे गिरने वाला होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे कारण है कि जो यहाँ पे जो इंटरसेप्टर जो मिसाइल का इस्तेमाल है ना, ये मिसाइल बहुत महंगा होता है। जो हमास या लेबनान वाले जो रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सस्ता होता है। तो अगर उस रॉकेट से कोई अगर थ्रेट नहीं अगर दिखता है, अगर खाली जगह पे गिरने वाला होता है, तो उस समय हम ये मिसाइल को छोड़ते नहीं है, इसको लॉन्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है। अगर छोटे से रॉकेट के लिए हम इसको छोड़ते जाएं
तो इसका इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट होता है पड़ेगा, तो इसलिए इसराइल क्या करता है कि इस चीज़ को देखता है कि उससे नुकसान होने वाला है या नहीं। अगर नुकसान होने वाला होता है तो उसके उसके लिए यहाँ पे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, लेकिन अगर उससे नुकसान नहीं होने वाला होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। एक ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका मतलब है कि किसी भी मौसम में इसको डिप्लॉय कर दीजिए, इसको ठंडी गर्मी बरसात किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ काउंटर कर सकता है। इसका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट 90% है। अभी हमने देखा, हमने बोला कि जो ईरान ने हमला किया था तो वहाँ पे बोला गया था कि 99% सक्सेस रेट है। इसके कारण ये है कि जब ईरान ने अटैक किया था तो ईरान से जैसे अटैक हुआ, तो चूंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत सारी मिलिट्री बेसेस हैं, तो उसने क्या किया कि जो अटैक किया गया तो बीच में ही उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। कुछ कुछ हमलों को यूके की जो सेना थी उसने काउंटर किया, और कुछ को जॉर्डन की जो एयर डिफेंस है उसने न्यूट्रलाइज किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ईरान से जो अटैक किया गया वो इजराइल तक मतलब फुल फोर्स में पहुंचा ही नहीं, इजराइल तक पहुंचने से पहले उसको काउंटर कर दिया गया, बहुत कम पहुंचा जिसको आसानी से उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसलिए वहां पे सक्सेस रेट दिखा रहा था 90% का। ये क्या है, जो आयरन डोम है, आयरन डोम का नेवल वर्जन भी डेवलप किया गया है इसराइल के द्वारा। तो यहां पे एक बात याद रखने वाली है कि जो नेवल वर्जन है ना, नेवल वर्जन में जो डेडिकेटेड रडार नहीं है, हमने अभी जो देखा जो लैंड टू एयर वाली जो है, जो आयरन डोम है जो फेमस है, तो उसमें क्या होता है कि एक रडार जो सिस्टम होता है ट्रैकिंग और डिटेक्शन वाला जो काम करता है, तो ये एक डेडिकेटेड रडार यहाँ पे होता है। लेकिन जो नेवल वर्जन है ना, तो नेवल चूंकि जहाजों में खुद का रडार होता है तो इसलिए यहाँ पे डेडिकेटेड रडार नहीं है। यहाँ पे जो नेवल वर्जन है, तो नेवल वर्जन में जो सीप का रडार है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आयरन डोम का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इसके साथ कि ये बहुत महंगा है। अगर इसका कोई लिमिटेशन है तो लिमिटेशन यही है कि ये बहुत कॉस्टली है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए आयरन बीम का डेवलपमेंट किया गया है। तो देखते हैं आयरन बीम के बारे में। यह एक डेडिकेटेड एनर्जी वेपन है जिसमें लेजर के द्वारा टारगेट को डिसेबल या डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये जो लेजर है इसके द्वारा टारगेट को, यहां पे किसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो हाई पावर्ड जो लेबर यहाँ पे लेजर होता है इसके द्वारा टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसका रेस्पॉन्स टाइम कमाल का है और यह बहुत रैपिडली रेस्पॉन्ड करता है। ये शॉर्ट रेंज के लिए है, देखा था 0 से 4 किलोमीटर के लिए। ये मल्टीपल थ्रेट को एक ही साथ में काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये ऑल वेदर के लिए है, मतलब किसी भी समय में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मोबाइल डिप्लॉयमेंट वाली फैसिलिटी है, इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। ये इजराइल के लिए ये डेटरेंस क्रिएट करता है। अब देखते हैं डेविड स्लिंग के बारे में। यह एक एंटी मिसाइल,
क्या है डेविड स्लिंग? यह एक एंटी मिसाइल है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको मिड रेंज के लिए बनाया गया है। इसका रेंज कितना है? 300 किलोमीटर का है। ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम बनाया था और अमेरिका की ये कंपनी है रेथियोन, इसके द्वारा ज्वाइंटली इसको डेवलप और प्रोड्यूस किया गया है। ये 2017 से ऑपरेशनल है। ये वाइड रेंज ऑफ एरियल टारगेट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस है जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर के लिए होते हैं, लंबी दूरी के लिए, तो इसलिए यहाँ पे जो 300 किलोमीटर तक का है तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्रूज मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है शॉर्ट रेंज वाले, और हाई कैलिबर रॉकेट जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। ये एडवांस राडार सिस्टम को इस्तेमाल करता है डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए। जैसे आयरन डोम में जो राडार था ना, उससे भी बेहतर राडार का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस का है इसलिए यहाँ पे एडवांस राडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो हम लोग आयरन डोम में कर रहे थे तामीर मिसाइल का इस्तेमाल, तो जो आयरन डोम में है तामीर, तो यहाँ पे जो डेविड स्लिंग है यहाँ पे तामीर का इस्तेमाल, यहाँ पे स्टनर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। स्टनर मिसाइल और तामीर मिसाइल के वर्किंग में अंतर है। इसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। स्टनर मिसाइल जो है डेविड स्लिंग में जो इस्तेमाल होता है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है जो टारगेट होता है उसको, यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। ये ऑल वेदर ऑपरेशन इसका है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी, हाई से हाई टेम्परेचर पे भी, हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में भी, किसी भी कंडीशन में ये काम करने के लिए सूटेबल है। ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ टैकल कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसको ले जाने में आसानी है, कहीं पर भी इसको ले जाकर के डिप्लॉय किया जा सकता है। ये जो मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे जो भी स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस वाले जो भी एसेट्स वगैरह हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए, चूंकि आयरन डोम के बाद आयरन डोम से के ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर उसको पहले ही आयरन डोम के पास आने से पहले ही इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या हुआ है, समय के साथ में इसमें अपग्रेडेशन किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो भी नई चैलेंजेज आती हैं उसको टैकल करने के लिए। अब देखते हैं एरो डिफेंस सिस्टम के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, इसमें एरो 2 और एरो 3। एरो जो 1 था उसको कभी ऑपरेशन में लिया ही नहीं गया, एरो 2 है और एरो 3 है। ये है इजराइल और अमेरिका के द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। किस लिए इसको बनाया गया? इसको बनाया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स को ध्यान में रखते हुए। आयरन डोम था वो शॉर्ट रेंज के लिए था, डेविड स्लिंग था मीडियम रेंज के लिए था, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होता है? जैसे बैलिस्टिक मिसाइल ये है, वो आपके आउटर स्पेस में चला जाता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है तो उसमें जो बाह्यमंडल है तो उसमें चला जाता है एक पैराबोलिक पाथ के द्वारा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होते हैं, क्रूज मिसाइल बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर जा करके, और जो धरातल है ना उसके पैरेलल ही चलते ग्लाइड होते हैं, जा करके टारगेट को अटैक करते हैं।
जो बैलिस्टिक मिसाइल को ध्यान में रख करके एरो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया है। ये दुनिया में सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसका रेंज है 2000 किलोमीटर तक का। एरो 2 का है 1000 किलोमीटर तक और 1000 से 2000 किलोमीटर तक एरो 3 सबसे एडवांस है। इसमें क्या है, इसमें एडवांस सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। एडवांस सेंसर का इस्तेमाल करने की वजह से जो टारगेटिंग होती है, ट्रैकिंग वगैरह होती है, वो बहुत प्रिसाइज होती है। तो इससे क्या होता है, ये एक्यूरेसी जो है ना, ये एक्यूरेसी कमाल का मिलता है। तो इसके सक्सेस रेट हाई होने के पीछे क्या है, रीजन है एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल होना। इसको किसी भी सीजन में कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें डिप्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, ये ऐसा नहीं है कि साइलो में रह करके अलग अलग रह के काम करें, नहीं, ये आपस में ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक बहुत अभेद किले के जैसा एयर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं इजराइल को। तो इसके वजह से क्या होता है, स्ट्रेटजिक एज भी मिलता है इजराइल को, और जो बाकी के जो देश हैं, जो उसके होस्टाइल कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक डर भी बैठता है, डिटरेंस क्रिएट करता है। अब जब इस तरीके का इतना टॉप क्वालिटी का अगर कोई डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो जो डिफेंस का जो मार्केट है पूरी दुनिया का, उसमें इजराइल का नाम भी बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि इजराइल को यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती ही, इकोनॉमिकली भी उसको बेनिफिट देते हैं। तो इसलिए ये जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इजराइल को एक बहुत पावरफुल कंट्री बनाते हैं इस मामले में कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है और उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अपने जो पॉपुलेशन है, अपनी जो सिविलियंस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सक्षम है। तो आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।